परम आदरणीय हमारे बहुत ही आत्मीय बागेश्वर बाबा जी और हमारे श्रद्धेय मुनि महाराज जी और साधक मित्र, साधना गंगा के किनारे करने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए। आप पुण्य आत्मा हैं, 3 दिन गंगा जी के किनारे आप गुरु जी के सानिध्य में आपने साधना का प्रयास किया। साधना आप मुनि जी की जीवन देखिए, निरंतर करने की चीज़ है, 1-3 दिन में ख़त्म नहीं होती है, ये शुरू होती है और जीवन भर चलनी चाहिए। देखिए मुनि जी 10 बजे तक मौन रहते हैं, मुनि का अर्थ ही है जो कम बोले, और उसके बाद शाम में 5 बजे अंतिम भोजन करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन को नियमित करना होगा हमको, अगर साधक बनना है तो प्रेरणा लेनी होगी। तो कल भी मैंने आपसे विनती की, 3 दिन की जो ये शुरुआत है इसको निरंतरता दीजिएगा, घर में रोज़ साधना कीजिए, कम से कम बोलिए। हमारे गुरु ओशो कहते थे कि हम जितना बोलते हैं उस पर 90% व्यर्थ है, 10% में काम चल जाएगा, 90% से उपद्रव होता है, झगड़ा होता है। तो जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलिए, और जितना अधिक समय सत साहित्य के अध्ययन में लगा सकते हैं, इतनी अच्छी हमारी उपनिषद हैं, अष्टावक्र महागीता है, गोरखवाणी है, पातंजलि के सूत्र हैं, वो 108 तो उपनिषद हैं अपने पास। तो इनका अध्ययन और इनकी जो व्याख्या ओशो ने की है वो अद्भुत है, और सब उपलब्ध है फ्रीली यूट्यूब पर। तो आप अपने जीवन में आधा घंटा सत्य साहित्य का अध्ययन करें जो जीवन को उकाशे। अभी लोग 5 घंटे एवरेज, वर्ल्ड एवरेज है कि 5 घंटे लोग मोबाइल पर और इंटरनेट पर बिता रहे हैं, उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम उनके आँखों पर और उनके जीवन में हो रहा है। जल्दी हॉस्पिटल खुल गए हैं पश्चिम में, कैसे लोगों को मोबाइल से मुक्त किया जाए। चाइना में तो इसके बहुत हॉस्पिटल खुल गए हैं, हिंदुस्तान में भी देर नहीं है, बहुत बड़ा रोग है ये। तो 1 घंटा से ज़्यादा आप इंटरनेट पर और मोबाइल पर कभी मत दीजिएगा, जो आवश्यक चीज़ है 1 घंटा में सब मिल जाता है। बाकी समय सत्य साहित्य का अध्ययन आधा घंटा रोज़ कीजिए, आधा घंटा योग कीजिए, आधा घंटा ध्यान कीजिए, तभी एक समुन्नत भारत बनेगा। हमारे बात करने से, ताली पीटने से नहीं बनेगा, हमें तपोबल चाहिए, तपस्या करनी पड़ेगी, और वह आपकी तपस्या आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए। देखिए 73 वर्ष के हमारे मुनि जी को देखिए, दिन रात काम करते हैं क्योंकि तपस्वी हैं, और हमको इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आप सबका मंगल कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप तपस्वी बने, साधना को अपने जीवन में लाएं। मुनि जी की अनुमति मिल गई है मुझे, नवंबर में हम लोग यहाँ 4 दिनों का साधना शिविर करने वाले हैं, 500 लोगों का। वो ओशो समाधि ध्यान शिविर, उसमें आप पहले से निवेदन दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 500 लोगों की व्यवस्था होगी और आने के लिए बहुत लोग इच्छुक हैं। हम 9 घंटे 10 घंटे ध्यान कराते हैं, गुरुजी तो बड़े करुणावान हैं, सुबह ही आपको छोड़ देते हैं, हम लोग तो 9 घंटे 10 घंटे ध्यान कराते हैं। तो और तपोवन में प्रत्येक महीने 4 शिविर हो रहे हैं 7-7 दिनों के। आपको जब भी अवसर मिले नेपाल आएँ, पशुपतिनाथ का दर्शन करें, और साधना की प्यास हो तो तपोवन में आकर 7 दिन साधना करें हमारे साथ। आपके अंदर छुपी हुई जो अनंत संभावनाएं हैं उसको जगाने का एक ही उपाय है, तपोबल, और तपोबल से ही भारत की प्रगति होगी। जो विवेकानंद ने सपना देखा था कन्याकुमारी में बैठकर कि भारत जाग रहा है, वो जब आपके अंदर तपोबल जागेगा तभी जागेगा। हमारे चिल्लाने से, ताली पीटने से जागने वाला नहीं है, हमें तपोबल पैदा करना होगा। आपके जीवन में साधना के फूल खिलें, आप नियमित साधक बने, भोजन पर नियंत्रित रखें, वाणी पर नियंत्रित रखें।